जय माता की दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, ये 6 कार्य सुबह पूजा करने से पहले आपको नहीं करने चाहिए, नहीं तो भगवान आपसे क्रोधित हो सकते हैं। वह सुबह उठकर अगर आप ये कार्य करते हैं तो आपको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी, भगवान आपसे क्रोधित हो सकते हैं। इसलिए आपको भूलकर भी ये कार्य सुबह के समय पूजा करने से पहले नहीं करने चाहिए। जो कृपा आपको भगवान की पूजा करने से प्राप्त होनी चाहिए थी वो आपको प्राप्त नहीं होगी, उल्टा आपको भगवान द्वारा दोष लग जाएगा। देव दोष जिसको कहते हैं, देव दोष आपको लग सकता है। आइए दोस्तों जानते हैं उन 6 कार्यों के बारे में जो आपको सुबह पूजा करने से पहले नहीं करने चाहिए, और वीडियो को ध्यान से सुनना, स्किप मत करना। दोस्तों, पहला काम आपको जो नहीं करना है वो यह है, आपको कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगाना चाहिए। उसे बहुत लोग ऐसे होते हैं कि झाड़ू को पैर से एक साइड कर देते हैं, एक साइड रख देते हैं पैर से हटा करके। ये कार्य आपको नहीं करना चाहिए। और जहाँ पर जूते चप्पलें हों वहाँ पर आपको झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, और जब भी आप घर की सफाई करें उसके बाद आपको झाड़ू को हाथ जोड़कर ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहां पर कोई आने जाने वाला उसको टच ना करे, ना ही देखे। दूसरी चीज़ दोस्तों, कभी भी आप सुबह जब उठते हैं कभी भी भोजन करके पूजा ना करें। सबसे पहले जब आप सुबह उठें, सबसे पहले नहाएं, नहा करके अच्छे से फ्रेश होकर के आपको पूजा करनी चाहिए। आपको खाना खाने के बाद पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सुबह के समय जब आप पूजा करते हैं तो आपको निर्जल होकर के पूजा करनी चाहिए, जिसको निर्जला व्रत भी बोलते हैं। अगर आप कुछ खा पी करके पूजा करते हैं तो उसका फल आपको बहुत ही कम प्राप्त होता है। तीसरी चीज, जिन बर्तनों में आप भगवान की जोत लगाते हैं, भोग लगाते हैं, भगवान के बर्तनों को अलग से साफ करना चाहिए। अलग ही साबुन भगवान की होनी चाहिए, और एक छोटा सा वस्त्र जो है अलग ही होना चाहिए। अगला कार्य जो आपको नहीं करना चाहिए, बहुत बार ऐसा होता है आपको माचिस की जरूरत होती है या फिर कोई और चीज चाहिए होती है भगवान के मंदिर से, झूठे हाथों से या फिर बिना हाथ धोए आप लेकर के आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जब भी अपने मंदिर से कोई भी चीज़ चाहिए होती हो तो आपको अच्छे से हाथ धो करके जाना है। अगला कार्य, जैसे आप सुबह के समय नहा धो करके पूजा करते हैं, अपने पूजा के मंदिर में जाते हैं, उसी तरह आपको शाम के समय भी अच्छे से नहा करके पूजा में जाना चाहिए। जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो नहाया नहीं जाता है, तब आप हाथ मुंह धो करके और अपने कपड़े बदल करके आप मंदिर में प्रस्थान करें। अगर हो सके तो आपको अपने मंदिर में जाने के लिए एक जोड़ी कपड़े अलग से रख लेने चाहिए। इससे क्या होगा, आपके दिन भर के जो वस्त्र होते हैं वो सबके टच में भी आते हैं, उन पर कुछ छींटे भी लग जाती हैं जो अशुद्ध छींटे होती हैं, इससे आपको बचना चाहिए। अगला कार्य दोस्तों, जैसे आज के ज़माने में गाय के बछड़े, गाय दर दर बेचारे भटकते रहते हैं और किसी के भी घर में घुस जाते हैं और लोग बाग उनको डंडे से पीट के भगा देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपके घर में गाय का बछड़ा या फिर कोई भी ऐसा पालतू पशु घर में घुस जाता है तो उसको आपको डंडा मार करके नहीं भगाना है। और हो सके तो उनको सबसे पहले आपको एक रोटी खिलानी चाहिए, ताजी ताजी रोटी हो, नहीं तो अपने घर में जो आप बना करके रखते हो उसमें से आपको रोटी खिला देनी चाहिए और उन्हें पानी पिलाना चाहिए। उसके बाद आप हाथ जोड़ के गाय माता को कहें कि हे गाय माता, अब आप प्रस्थान करें। गाय माता में 33 करोड़ देवताओं का वास बताया गया है, और अगर आप गाय माता की ही सेवा कर ले तो आप 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा कर सकते हैं, पुण्य प्राप्त आपको हो सकता है। तो गाय माता को कभी भी लात ना मारें, उन्हें डंडा ना मारें, क्योंकि उनके पूरे शरीर में हर एक रूम में 33 करोड़ देवी देवता का अलग अलग स्थान है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा गाय माता जो आज के टाइम में गली गली इधर उधर भटक रही हैं, उनको बहुत लोग निर्दयी लोग ऐसे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा जख्मी कर देते हैं, जिससे वे बेचारी परेशान होकर के इधर उधर भटकती हैं, सबको टक्कर मारती हैं।
अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी गाय है, कोई ऐसा जीव है, तो उसकी सहायता जरूर करें, उसकी चिकित्सा जरूर करें। गाय, कुत्ता, जानवर जो भी आपके दर पे आता है, उसको कभी भी आपको डंडे से नहीं भगाना है, क्योंकि पता नहीं ईश्वर आपके दर पे कब, किस रूप में, किस भेष में आकर के आपके परीक्षा लेने आ जाए। दोस्तों, सभी जानवरों पर दया दिखानी चाहिए, दया करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये बोल नहीं सकते, सिर्फ भावना इन्हें समझ आती है, भावना से ये सब कुछ समझ जाते हैं, प्रेम समझते हैं। जब भी आपके दरवाजे पर गाय माता आए, गाय माता को रोटी, गुड़ या फिर कुछ भी आप ज़रूर से ज़रूर खिला करके उन्हें भेजें। कोई कुत्ता आए, उसको भी कुछ ना कुछ अपने घर से खिला करके ज़रूर भेजें। दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और कल फिर मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।